स्टूडेंट, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो क्या था हमारा चैप्टर 6 केमिस्ट्री का फ्यूल एंड कंबशन। आज हम लोग क्या करेंगे उसी का हम लोग जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है आज हम लोग क्या करेंगे उसी एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट जो पेज नंबर है हमारा कितना दिया हुआ पेज नंबर 79 यानी कि दिया हुआ पेज 79 में जो क्वेश्चन है जो पेज नंबर 79 में स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या देगा क्वेश्चन देगा क्या चीज़ कि लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन नंबर है ए यानी पेज नंबर कितना स्टूडेंट 79 और 79 में दिया हुआ है हमारा 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 6 क्या है गिव लॉन्ग आंसर। जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है पेज नंबर बुक का जो पेज नंबर है कितना 79 पेज नंबर में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या हमारा गिव लॉन्ग आंसर और उसमें पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ क्या कि लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल यानी कि स्टूडेंट क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल। तो सर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल इसका आंसर कैसे लिखेंगे सर इसका आंसर लिखेंगे कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल आर यानी कि स्टूडेंट्स कहां से लिखेंगे हम लोग क्या तो ये द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल आर। अब स्टूडेंट इसमें दिया हुआ है बुक में आंसर दिया हुआ है पेज नंबर 77 पर दिया हुआ क्या कि पहला स्टूडेंट पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि स्टूडेंट क्या होगा उसका क्लोरोफिक वैल्यू क्या होगा हाई इट हैज हाई क्लोरोफिक वैल्यू यानी कि स्टूडेंट क्या होगा उसका क्लोरोफिक वैल्यू कितना होगा हाई। यानी कि स्टूडेंट क्या उसका क्लोरोफिल वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट होगा हाई। सेकंड क्या होगा कि जो फ्यूल है फ्यूल क्या होना चाहिए हर लोग स्टूडेंट जितना भी हम लोग हैं सब हम क्या चाहते हैं कि सस्ता यानी कि हम लोग क्या यानी कि कहीं लेते हैं सस्ता वहां पर हम लोग उसके पीछे भागते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा कि जो फ्यूल क्या होगा फ्यूल शुड बी ऑफ लो कॉस्ट यानी कि जो फ्यूल है वो उसका नाम क्या होना चाहिए कम से कम क्योंकि स्टूडेंट हम लोग क्या चाहते हैं हम लोग देखते हैं सब चीज सस्ता यानी कि जितना ज्यादा सस्ता होता ज्यादा अच्छा है यानी कि क्या होगा फ्यूल का जो कॉस्ट है वो क्या होना चाहिए कम यानी कि फ्यूल क्या होना चाहिए सस्ता यानी कि लो कॉस्ट। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट क्या कि इट शुड बी इजली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम
transported from one place to another. यानी कि स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि जो फ्यूल है अच्छा फ्यूल है उसी को मानते हैं जो क्या करता है कि एक जगह से दूसरे जगह उसको ले जाने के लिए किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, उसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि इट शुड बी इजिली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बोलता है कि स्टूडेंट पहला क्या बोलता है कि इट इज हाई क्लोरीफिक वैल्यू, यानी कि क्लोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई क्लोरीफिक वैल्यू मतलब कि स्टूडेंट कि अगर उसका हम एक ग्राम जलाएंगे किसी फ्यूल का, अगर हम एक ग्राम जलाते हैं तो हमको कितना हीट मिलता है, जितना हीट हमको मिलता है उसको हम कहते हैं उसका क्लोरीफिक वैल्यू। तो स्टूडेंट जो गुड फ्यूल का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, पहला क्या है कि इट इज हाई क्लोरीफिक वैल्यू, यानी कि इसका क्लोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई। दूसरा क्या है कि फ्यूल शुड बी ऑफ लो कॉस्ट, यानी कि जो फ्यूल का जो दाम है वो क्या होना चाहिए, कम। तीसरा कि इट शुड बी इजिली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि उस फ्यूल को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर उसको एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से ले जा सकते हैं। फिर स्टूडेंट देखेंगे फोर्थ पॉइंट देखेंगे क्या, फिर इट शुड प्रोड्यूस, इट शुड प्रोड्यूस लेस पॉल्यूशन आफ्टर बर्निंग। यानी कि स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है गुड फ्यूल का, कि इट शुड, यानी कि उस फ्यूल को अगर हम जला रहे हैं, अगर उस फ्यूल को हम जला रहे हैं तो जलने के बाद वो कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करे, ज्यादा पॉल्यूशन अगर क्रिएट करेगा तो वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि क्या होगा उससे पॉल्यूशन ज्यादा होगा, यानी क्या करके फिर सरकार उसको तुरंत रोक देगी। तो इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट कि जो गुड फ्यूल एक अच्छा फ्यूल है तो उसका क्या है कि पॉल्यूशन जो जलने के बाद जो पॉल्यूशन है वो क्या होगा, वो कम से कम। और स्टूडेंट क्या है कि इट शुड इजिली बी अवेलेबल, इट शुड इजिली बी अवेलेबल, यानी कि इसका मतलब क्या है कि शुड इजिली बी अवेलेबल, इसका मतलब क्या है कि वो सभी जगह प्रेजेंट हो, आसानी से कहीं भी अगर हम उस चीज को हमको हम खोजे तो हमको आसानी से मिल जाए। ऐसा नहीं कि मान लो कि वो अच्छा फ्यूल है लेकिन वो हम उसको खोजने जा रहे हैं, उसको हम खरीदने जा रहे हैं तो हमको नहीं मिले, यानी कि आज हम खरीद जा रहे हैं तो दुकान वाला बोलेगा कि अब एक महीने बाद आइए, तो उसका मतलब क्या है कि वो अच्छा फ्यूल नहीं है, हमको जब जरूरत जिस चीज की जरूरत है उस चीज हमको तुरंत मिल जाता है, उसको हम कहते हैं इजिली अवेलेबल, यानी वो आसानी से क्या है अवेलेबल है। तो ये गुड फ्यूल का एक नेचर है कि उसको जहां भी खोजेंगे वहां पर वो मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ये आंसर है सिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन का, कि जिस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। तो स्टूडेंट ये उसका प्रॉपर्टी है गुड फ्यूल का कि इसका हाई क्लोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए, इट शुड बी लो बी ऑफ लो कॉस्ट, यानी कि कम दाम का होना चाहिए, इट शुड इजी बी ट्रांसपोर्टेड एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हम उसको ले जा सकते हैं, इट शुड प्रोड्यूस लेस पॉल्यूशन आफ्टर बर्निंग, यानी जलने के बाद क्या होना चाहिए कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करें, और इट शुड इजली बी अवेलेबल, यानी कि जहां पे हम जो चीज को खोजे वो चीज हमको वहां तुरंत मिल जाए, इसको हम कहते हैं गुड फ्यूल का करेक्टर या प्रॉपर्टी। फिर आगे सुन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर स्टूडेंट जो सिक्स में जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट काउजेड एसिड रेन, व्हाट काउजेड एसिड रेन एंड हाउ इज इट हार्मफुल, हाउ इज इट हार्मफुल।
यानी कि उसने क्वेश्चन ने पूछा क्या कि एसिड रेन यानी कि ऊपर से जो आसमान से जो एसिड गिरता है, एसिड का जो बारिश होता है उसका क्या कारण है, और ऊपर से अगर एसिड रेन अगर गिर गया तो उसका क्या हार्मफुल है, क्या नुकसान वो क्रिएट कर सकता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर हम लिखेंगे, आंसर बुक पेज नंबर 77 में इसका आंसर दिया हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, इसका आंसर लिखेंगे कि वी बर्न, हम लोग जलाते हैं क्या, फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोल। यानी कि स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोल और पेट्रोल यानी कोयला और पेट्रोल जैसा फ्यूल यानी ईंधन को हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं। लेकिन ये जो कोल है, कोल इसमें क्या है, बहुत सा कंपोनेंट, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें क्या स्टूडेंट कार्बन है, इसमें क्या सल्फर है। तो ये जो स्टूडेंट है कोल, और ये कोल जो है तो स्टूडेंट ये जो कोल है, कोल से जो हमारा जो गैस निकलता है, कोल को हम जलाते हैं तो एक हमारा गैस निकलता है, उस गैस को हम लोग कहते हैं क्या, SO2। यानी कि स्टूडेंट क्या है, कोल में क्या है, सल्फर प्रेजेंट है, इसमें कोल में क्या है, सल्फर है, इसमें क्या है स्टूडेंट लिख सकते हैं कि दिस कोल कंटेन, दिस कोल कंटेन सल्फर एंड नाइट्रोजन। यानी कि स्टूडेंट क्या है हमारा, कि इस कोल में हमारा क्या है स्टूडेंट, हमारा सल्फर है इस कोल में प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन हमारा क्या है स्टूडेंट, जब पेट्रोल जब जलता है तो क्या देता है, नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट ये क्या है, सल्फर नाइट्रोजन ये सब क्या है, जैसे ही जलेगा तो क्या होगा, इनका ऑक्साइड बनेगा। दिस कोल कंटेन ए सल्फर एंड SO2 एंड ऑन बर्निंग एंड एंड ऑन बर्निंग दिस एंड ऑन बर्निंग दिस सल्फर एंड नाइट्रोजन फॉर्म कंपाउंड लाइक SO2 NO2 एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट क्या है, सल्फर और नाइट्रोजन को हम जलाते हैं तो हमारा क्या कंपाउंड मिलता है, SO2 और NO2 एंड दिस कंपाउंड डिसॉल्व इन एयर, दिस कंपाउंड डिसॉल्व इन एयर, दिस कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर प्रेजेंट इन एयर, प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर एंड फॉर्म एसिड रेन। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर है, क्वेश्चन है पूछ रहा क्या कि एसिड रेन का क्या कारण है। तो हम लोग इसमें क्या जलाते हैं, हम लोग जलाते हैं कोयला और हम जलाते हैं पेट्रोल। कोयला में क्या रहता है, सल्फर प्रेजेंट रहता है, सल्फर क्या करता है, सल्फर को जैसे हम लोग हीट करते हैं SO2 गैस निकलता है, SO2 गैस अगर जब निकलेगा तो उस SO2 क्या करेगा, हमारे एटमोसफेयर में पानी है, पानी को वाटर पेपर है हमारा, उस वाटर पेपर में SO2 क्या होगा मिलेगा और क्या बनाएगा एसिड, वो एसिड क्या होगा ऊपर से गिरता है, उसको हम लोग कहते हैं
एसिड रेन। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या पूछा कि हाउ इज इट हार्मफुल, यानी कि एसिड रेन अगर ऊपर से अगर गिर रहा है तो उसका क्या नुकसान है। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट का जो आंसर है कि स्टूडेंट अगर एसिड रेन अगर हो रहा है तो क्या करेगा कि एसिड रेन kills the fish present in water body. यानी कि स्टूडेंट क्या है कि एसिड रेन जो है वो क्या करता है मछली जो प्रेजेंट है पानी में उसको क्या करता है स्टूडेंट, जैसे कि झील में तालाब में अगर मान लीजिए स्टूडेंट क्या मछली है ऊपर से एसिड रेन गिरा तो क्या करता है पूरा जो एसिड रेन है उस पानी के में जितना प्रेजेंट है मछली सबको मार देता है। सेकंड में क्या करता है स्टूडेंट कि ये जो एसिड रेन है इट डिस्ट्रॉय द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, इट डिस्ट्रॉय द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड ऑल्सो मेक एसिडिक विच रिजल्ट इन एसिडिक विच रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। यानी कि स्टूडेंट क्या है कि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा था कि हाउ इज इट हार्मफुल, यानी कि एसिड रेन है वो क्यों हानिकारक है। तो एसिड रेन अगर ऊपर से गिर रहा है तो मछली जितना भी प्रेजेंट है तालाब में नदी में उस समय अगर ऊपर से एसिड रेन गिरा तो क्या हुआ स्टूडेंट उसका मछली मर जाता है। सेकंड क्या होता है कि जितना भी हमारा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जैसे कि ताजमहल है और क्या स्टेचू ऑफ लिबर्टी है अमेरिका में बहुत सारे देशों में क्या हमारा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जैसे कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी है हमारे में क्या ताजमहल है तो उस सब पर एसिड रेन क्या करता है एक असर डालता है उसका लाइट को उसका शाइनिंग को कम कर देता है। सेकंड क्या करता है कि सॉइल को क्या करता है ज्यादा एसिडिक बना देता है और अगर सॉइल अगर ज्यादा अगर एसिडिक हो गया तो उसका जो प्रोडक्शन है सॉइल का प्रोडक्शन वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कम हो describe the various zone of a candle flame. यानी कि स्टूडेंट जो सी क्वेश्चन दिया वो क्या हो रहा है स्टूडेंट के एक कैंडल है कैंडल जल रहा है
इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट क्या कि इसमें हमको डिस्क्राइब करना है यानी कि क्या क्या जोन है। एक है जो एक कोई कैंडल अगर जल रहा है, कैंडल मान लीजिए स्टूडेंट अगर इस तरह से अगर जल रहा है तो इसका डिफरेंट जोन यानी कि जलने का क्या क्या जोन है, यानी कि जो एक फ्लेम है फ्लेम का डिफरेंट जोन होता है उसके ऊपर। पहले स्टूडेंट का हम लोग ऐसा नहीं कि फ्लेम क्या कहते किसको है, यानी कि द रीजन ऑफ एरिया ऑफ द फ्यूल विच एक्चुअली बर्न इज कॉल्ड फ्लेम। यानी कि स्टूडेंट क्या है कि वेरियस जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम यानी कि जो रीजन है और जो एरिया है फ्यूल का वो जो वास्तविक में जो जलता है उसको हम लोग कहते हैं फ्लेम। और फ्लेम का स्टूडेंट जो बनी फ्लेम है उसमें कितना तीन पार्ट है हमारा, एक एक पार्ट है, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट है और सेकेंड पार्ट क्या है यहाँ से यहाँ तक है और ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसको कहते हैं हम लोग क्या आउटर जोन, इसको हम लोग कहेंगे स्टूडेंट मिडिल जोन और इसको हम लोग कहेंगे स्टूडेंट इनर मोस्ट जोन या फिर इनर जोन। तो ये स्टूडेंट हमारा क्या तीन सेक्शन है जो कि फ्लेम प्रोड्यूस करता है। जो सबसे बाहर में जो रहता है एरिया उसको हम कहते हैं आउटर में जो होता है बाहर की तरफ, मिडिल मतलब बीच में और इनर मतलब अंदर की तरफ। तो ये फ्लेम का तीन रीजन है, ये आउटर जो आउटर रीजन और फिर क्या है स्टूडेंट मिडिल और फिर क्या है इनर। अब स्टूडेंट इसी तीनों जोन को हम लोग को डिस्कस करना है यानी कि इसी तीनों जोन के बारे में हम लोग को दो दो तीन तीन लाइन लिखना है आंसर में। यानी पहले लिखें क्या आउटर जोन, तो स्टूडेंट इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि it is the zone which lies the outermost of all zone। और स्टूडेंट क्या होगा कि इस जोन में क्या होगा यहां पर क्या स्टूडेंट कंप्लीट कमर्स है इन दिस जोन कंप्लीट कंबसन इन दिस जोन कंप्लीट कंबसन टेक्स प्लेस। यानी कि स्टूडेंट क्या होगा इस जोन में क्या होगा स्टूडेंट कंप्लीट कंबसन यानी कि स्टूडेंट क्या होगा यानी कि स्टूडेंट क्या हो रहा है कंप्लीट कंबसन हो रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट क्या है कि अब कभी भी कंप्लीट कंबसन होता है तो हमारा कौन सा कलर प्रोवाइड करता है एंड दिस इज ब्लू इन कलर। ब्लू कलर कब आता है स्टूडेंट जबकि हमारा ब्लू कलर कब आता है जबकि टोटल कंबसन फुल कंबसन होता है कंप्लीट कंबसन और इनकम्प्लीट होगा तो हमारा आएगा रेड या फिर ऑरेंज। तो ये स्टूडेंट क्या आउटर मोस्ट उसी तरह से स्टूडेंट क्या है फिर आगे में लिखना है उसी तरह में स्टूडेंट लिखना है मिडिल जोन के बारे में। तो लिख सकते हैं स्टूडेंट मिडिल जोन क्या है स्टूडेंट क्या है दिस हैज मॉडरेट टेम्परेचर यानी इस जोन का स्टूडेंट क्या टेम्परेचर क्या है
दिस जोन हैज मॉडरेट टेम्परेचर, यानी कि इस जोन के पास क्या है, टेम्परेचर क्या है, वो मॉडरेट है। और यहाँ स्टूडेंट क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन इन दिस, इनकम्प्लीट कंबशन टेक्स प्लेस व्हिच गिव हेलो कलर। और स्टूडेंट थर्ड हमारा कौन सा है, इनर मोस्ट। सो क्या है स्टूडेंट, इनर जोन, यानी इनर जोन यानी कि स्टूडेंट अंदर का, सबसे अंदर का। दिस इज द लिस्ट हॉट पार्ट ऑफ द, यानी कि इसका जो टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट, कम होता है, यानी कि दिस साइज, दिस साइज लोवेस्ट टेम्परेचर among all जोन, यानी कि जो इनर जोन है उसे क्या होता है, टेम्परेचर क्या होगा, सबसे कम होगा, यानी कि स्टूडेंट इस एरिया क्या होगा, लेस टेम्परेचर। मिडिल में क्या होगा स्टूडेंट, मॉडरेट टेम्परेचर। और आउटर क्या होगा स्टूडेंट, हाईएस्ट टेम्परेचर। तो सुनिए, ये था क्वेश्चन सिक्स का सी नंबर का आंसर। अब हम लोग के पास दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो स्टूडेंट ये जो आपका जो सिक्स का जो डी है, डी और ई क्वेश्चन, ये स्टूडेंट करेगा, होमवर्क रहेगा कि हाउ कैन बर्निंग ऑफ फ्यूल बी हार्मफुल, यानी कि स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ कैन बर्निंग ऑफ फ्यूल, हाउ कैन बर्निंग ऑफ फ्यूल बी हार्मफुल, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये डी क्वेश्चन है। और जो है लास्ट में क्या है स्टूडेंट, ई का गया, व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू। तो स्टूडेंट ये डी नंबर और ई नंबर, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपका क्या होमवर्क है। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये इसी क्वेश्चन, फिर क्या करेंगे स्टूडेंट कल डिस्कस करेंगे, ये होमवर्क इसको आपको कीजिएगा, फिर आंसर आंसर लिखेंगे, उसको आपको मैच करना है कि आंसर क्या है, टू द पॉइंट है या तो फिर जो पॉइंट है वो इसके आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। तो फिर स्टूडेंट इसको आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।